रजरप्पा के बेस वर्कशॉप में 3,60,00,000 रुपए की लागत से आए दो नए आधुनिक वाटर स्प्रिंकलर टैंकर का महाप्रबंधक आलोक कुमार ने किया उद्घाटन। रजरप्पा कोयलांचल के बेस वर्कशॉप में मंगलवार को 3,60,00,000 रुपए की लागत से आई दो नए वाटर स्प्रिंकलर टैंकर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रजरप्पा कोयलांचल के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर और फीता काटकर इन दोनों वाटर स्प्रिंकलर टैंकर का उद्घाटन करते हुए उन्हें रजरप्पा परियोजना को समर्पित किया। महाप्रबंधक आलोक कुमार ने कहा कि इस वाटर टैंकर की क्षमता 28,000 लीटर है और यह आधुनिकतम सुरक्षा उपकरणों से लैस है, जैसे कि यदि चालक थका हुआ है या नींद से ग्रसित हो तो अलार्म बजेगा। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई आधुनिक सुविधाएं इस टैंकर में उपलब्ध है। इसके आ जाने से रजरप्पा परियोजना तथा उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक नई पहल होगी। इसी कारण से इन टैंकरों का नाम पर्यावरण मित्र रखा गया है। उद्घाटन के अवसर पर स्टाफ ऑफिसर उत्खनन सुबोध कुमार, खुली खदान के प्रोजेक्ट ऑफिसर विनोद कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर शंभु रजक, कोलियरी मैनेजर बब्बन सिंह, उप प्रबंधक पीएन मिश्रा, अरविंद कुमार, दिग्विजय, बीईएमएल के इंजीनियर अजय कुमार, गौतम सिंह बम, संजय महतो सहित कई शिष्यल कर्मी उपस्थित थे। आज रजरप्पा परियोजना के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों ने आज दो वाटर टैंकर जिनकी क्षमता 28,000 लीटर है यानी 28 किलो लीटर, उनको प्रोजेक्ट को समर्पित किया है। ये हमारे मुख्यालय के निर्देश पर हमारे माननीय सीएमडी डायरेक्टर और जो हमारे जनरल मैनेजर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं उनके योगदान से ये इस प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ और हम लोगों ने इसको 2-3 दिन के अंदर कमीशन करके अपने परियोजना को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखें तो इसका जो फीचर्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है और बिल्कुल लेटेस्ट है। हमारे जो ऑपरेटर हैं उनके कार्य को और कुशल बनाने की दिशा में इसमें मुख्य रूप से 2-3 जो अलग अलग फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसमें ऑपरेटर फैटिक सेंसर, मतलब अगर ऑपरेटर को थोड़ी झपकी आ जाती है या आ जाए किसी कारण से अगर वो थका हो तो तुरंत सेंसर और काम करेगा और एक बीप उसमें बजेगा जिससे उनको अलर्ट होने में सुविधा मिलेगी और उनको एक इंडिकेशन भी मिलेगा कि या तो आप रुक जाएं और आराम करें और सुरक्षित रहें। दूसरा, इसमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है जो 15-20 मीटर दूरी के भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, आदमी को, पशु, गाय, जानवर को या फिर कोई व्यक्ति, कोई दूसरा मशीन, ये दोनों साइड लगा हुआ है आगे फ्रंट साइड और बैक साइड में, जिसको सेंस कर लेगा ताकि आपस में कॉलिशन ना हो, दोनों में कोई किसी तरह का एक उसमें उसको सुरक्षा की दृष्टि से। ये फायर के जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो तो लगा ही हुआ है। तो ये सब इसके एक एडवांस्ड फीचर है जिसको हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। आज परियोजना को दो टैंकर मिले और इसका नाम हम लोगों ने पर्यावरण मित्र रखा है दोनों का, बाकी नामकरण करना बाकी है। ये पर्यावरण की रक्षा करेगा। आपको जैसा ज्ञात होगा स्वच्छता में रजरप्पा परियोजना और रजरप्पा का जो परिवार है, ये हम लोग पारिवारिक दृष्टिकोण से भी इसको एक मिशन के रूप में लेते हैं कि सारी जगहों पर स्वच्छता बनी रहे, डस्ट और पर्यावरण का जो स्थिति है वो सब सुरक्षित और कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए दिशा में ये दोनों जो पर्यावरण मित्र हमारे आज मिले हैं, इन दोनों मित्रों की मदद से पर्यावरण को सुरक्षित और कंट्रोल में रखने में हमें सहूलियत होगी।